पवन अरू का चोरी छिपकर प्यार रोमांस अब साइली कामले ने भी देख लिया और उन्होंने अपने फैंस को बाकायदा वीडियो बनाकर दिखाया। जी हाँ, जब आप पवन अरू के प्यार का ये सबूत देखेंगे तो यकीन कर पाएंगे कि पवन अरू एक दूसरे के लिए क्या है। दरअसल साइली ने अपने YouTube और Instagram अकाउंट पर जो वीडियो शूट करके डाले हैं उसमें वो सब कुछ दिख गया जो पवन अरू के फैंस अब तक देखना चाहते थे। दरअसल वीडियो में आप देखेंगे कि पवन ने साइली का फोन बड़े ही प्यार से कब्जा कर लिया। वैसे तो पवन कहते कि वो लड़कियों से बोलते नहीं है, बात करते वक्त हिचकते हैं, लेकिन क्या आपको वीडियो में दिख रहा है कि पवन अरू से हिचकते हैं लेकिन बाकी लड़कियों से नहीं हिचकते हैं। अब इनके बीच प्यार ही है, तभी तो पवन अरू एक दूसरे से नजरें नहीं मिला पाते हैं। वीडियो में पवन साइली का फोन बड़े हक से लेकर वीडियो बनाने लग जाते हैं। पवन बताते भी हैं, पवन वीडियो में कहते हैं क्या आप लोग जानते हैं कि ये फोन किसका है। इतने पर मोहम्मद दानिश आ जाते हैं और वो बताते कि ये फोन साइली का है। साइली भी पीछे से चिल्लाती है कि मेरा फोन मुझे दे दो। उसके बाद तो पवन साइली के पास जाकर उन्हें हक करते हुए पोज देते हैं, जो देखकर अजीब इसलिए लगता है क्योंकि पवन अरू से इतनी बात नहीं करते हैं जितनी वो साइली से फ्रैंक होते नजर आए। उसके बाद साइली पवन के हाथ से फोन छीन लेती है और वो बताती है कि वो पहली बार इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आई है और यहाँ अपनी फ्लाइट का इंतजार कर रही हैं। और जितना उनके पास टाइम था उतने में उन्होंने एयरपोर्ट की खूबसूरत चीजें दिखाई। साइली शॉपिंग एरिया के साइड भी जाती हैं और अरू को बुलाती हैं। उसके बाद साइली कहती है कि मैं चाय पीऊंगी। साइली कहती है कि चाय पी लो फ्रेंड्स। अरू से पूछती है क्या वो चाय पियेंगी। अरू क्यूट मुंह बनाकर कहती है कि हाँ मैं चाय पीऊंगी और पवन को भी पिलाऊंगी। अरू पवन के पास चाय लेकर जाती हैं और क्यूट अंदाज में बच्चों की तरह बोलती हैं कि चाय पी लो। पवन अरू के इस क्यूट नेचर पर फिदा हो जाते हैं और फिर तो हर तरफ पवन अरू की चर्चाएं होने लगती है। पवनदीप अरुणीता का एक क्यूट वीडियो सामने आया है जिसने फैंस को मोहब्बत करना ही नहीं सिखाया बल्कि उसकी कदर रिस्पेक्ट करना भी बताया। जी हाँ, पवन ने आज बता दिया कि किसी को पाना ही मोहब्बत नहीं होती है बल्कि उसकी रिस्पेक्ट और केयर करना भी मोहब्बत है। वैसे तो पवन अरू दोस्त ही हैं और ये बात उन्हें कई बार साबित भी करनी पड़ी लेकिन फिर भी फैंस यकीन नहीं करते। फैंस नहीं यकीन करते कि ये दोनों दोस्त हैं। फैंस चाहते हैं कि इन्हें हमेशा एक साथ रहना चाहिए। अब इनकी जो वीडियो सामने आई है उसे देखकर आपका डाउट क्लियर हो जाएगा और आप भी कहेंगे कि ये दोस्त नहीं बल्कि इनका रिश्ता दोस्ती से बढ़कर पहुंच गया है। दरअसल हुआ ये कि मंजूर दिल गाने की लॉन्चिंग के वक्त पवन अरू सुबह सुबह स्टूडियो पहुंचे थे। इस बीच अरू साड़ी पहनकर गईं। लोगों की नजरें उन पर से हट नहीं रही थी। सभी लोगों ने अरू की तारीफ की और कुछ लोग ऐसे भी थे जो पवन अरू को छेड़ भी रहे थे। ऐसे में आशीष कुलकर्णी जिन्होंने पवन अरू के पास जाकर उन्हें बधाई दी और अरुणीता से हाथ मिलाकर कुछ ऐसी बात कही कि अरू को हंसी आ गई और वो नजरें झुकाकर शर्माने लगी। ऐसे में पवन को अजीब लगा और वो फौरन सब कुछ छोड़कर अरू के पास पहुंच गए। जी हाँ, पवन को लगा कि अरू ठीक महसूस नहीं कर रही है तो वो फौरन अरू के पास पहुंच जाते हैं और आशीष कुलकर्णी के सवाल का जवाब देते हैं। पवन के पहुंचते ही अरू फ्रैंक हो जाती हैं और हिचकने के बजाय एकदम बिंदास होकर बोलना शुरू कर देती हैं। पवनदीप और अरुणीता का पहला रोमांटिक गाना मंजूर दिल रिलीज हो चुका है लेकिन अफसोस की बात पवन अरू फैंस के दिल में खास जगह नहीं बना पाए। जी हाँ, इस गाने की वजह से पवन अरू को निराश होना पड़ा। कई कमियां देखी गई जिसने फैंस को निराश कर दिया। कुछ लोगों का कहना है कि जिस तरह से फोटोज में इनका नेचुरल प्यार दिख रहा था वो गाने में महसूस तक नहीं हुआ बल्कि गाने में इनकी केमिस्ट्री आर्टिफिशियल और फेक लग रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि पवन अरू रोमांस कर रहे हैं बल्कि जबरदस्ती गाने में रोमांस की एक्टिंग कर रहे हैं। इनका कपल वाला अटैचमेंट कहीं से भी नजर नहीं आया और इससे भी बड़ी कमी ये दिखी कि इनके गाने को रिलीज हुए कई घंटे बीत चुके हैं लेकिन उस तरह से व्यूज नहीं मिले जो मिलना चाहिए। जी हाँ, जिस तरह से फैंस पहले से एक्साइटेड दिखे वो गाना देखकर उनका मूड ऑफ हो गया। इनके अलावा दोनों के कपड़ों को लेकर भी सवाल उठाए गए क्योंकि वीडियो में कई बार अरुणीता ड्रेस की वजह से कंफर्ट नहीं दिखाई थी। ऐसे में सवाल ये भी था कि अगर वो इन कपड़ों में खुद को कंफर्ट नहीं महसूस कर रही थी तो उन्हें ये ड्रेस पहनने की क्या जरूरत थी। ऐसी कई सारी गलतियां देखी गईं जिसकी वजह से पवन अरू का ये गाना फ्लॉप हो सकता है। वैसे अगर पवन अरू के फैंस उनके साथ हैं तो उनका ये गाना फ्लॉप होकर भी हिट हो जाएगा। जी हाँ, अगर पवन अरू के फैंस चाहेंगे तो उनकी किस्मत चमका सकते हैं।
उनके इस गाने को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, कमेंट करें ताकि पवन अरु को भी पता चले कि वो अकेले नहीं है, उनके फैंस का प्यार और सपोर्ट उनके साथ है। तो अगर अब तक आपने उनका ये गाना नहीं देखा तो देर मत करिए, बस एक दिन और एक दिन बाद आप मंजूर दिल गाने को टुकड़ों में नहीं बल्कि पूरा गाना एक बार में देख पाएंगे। जी हाँ, मंजूर दिल गाने के कई छोटे छोटे वीडियो सामने आ चुके हैं जो हम आप तक पहुंचा चुके हैं, और 23 अक्टूबर को आप पवनदीप अरुणिता को मंजूर दिल गाने में अच्छी तरह से देख पाएंगे। और अब एक और वीडियो सामने आया जिसने फैंस की धड़कनें बढ़ा दी हैं। जी हाँ, मंजूर दिल गाने का एक और रोमांटिक सीन सामने आया है जिसने फैंस को खुश कर दिया। दरअसल पवन की बाहों में अरुणिता पोज देती नजर आ रही है, पवन अरुणिता को हाथों से संभाले हुए खड़े हुए हैं और दोनों एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से निहारते नजर आ रहे हैं। इनका ये सीन बहुत रोमांटिक लग रहा है। पवन ने इस क्यूट वीडियो को शेयर करते हुए लिखा कि बस कुछ घंटे बाकी हैं और कुछ घंटे बाद आप सबको झटका लग जाएगा और आप खुद कहेंगे कि ये पवन अरुणिता ही है। इनके अलावा एक और वीडियो सामने आया जिसमें पवनदीप आशीष कुलकर्णी के साथ नजर आ रहे हैं। पवन आशीष किसी परफॉर्मेंस के लिए बाहर गए हुए हैं और मीडिया को देखते ही पवन आशीष उन्हें पोज देते हैं, इंटरव्यू देते हैं, लेकिन पवन आशीष ने ये नहीं बताया कि वो कहां और क्यों गए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा रहा है कि बहुत जल्द पवन आशीष एक बार फिर एक नए गाने में नजर आने वाले हैं। वेल, इस वक्त आरुदीप के मंजूर दिल गाने को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे और कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पवनदीप की कामयाबी देखकर बेशक आप सब बहुत खुश हो रहे होंगे। छोटे से गांव से इतने बड़े शहर में आकर दौलत और शोहरत कमाने में पवनदीप ने रात दिन एक कर दी है और लगातार वो लगे हुए हैं। पवनदीप सिर्फ सिंगर ही नहीं है, ये बात हम आपको कई बार बता चुके हैं, वो कई तरह के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट भी बजा लेते हैं और लगभग हर काम को करने की हिम्मत रखते हैं। देखा जाए तो जब से उन्हें इंडियन आइडल से लाइमलाइट मिली है वो इस फायदे को ऐसे ही नहीं गंवाना चाहते हैं, वो लगातार इस फायदे का इस्तेमाल कर रहे हैं। हाल ही में पवनदीप को जेके टायर का विज्ञापन करते देखा गया था, उसके बाद उनके विदेश इवेंट की भी खबर आई और अब पवनदीप मुंबई में बड़े बड़े स्टार्स के बीच अपनी खास जगह बनाने में पूरी कोशिश में लगे हैं। आपको ये भी बताया था कि पवनदीप बड़े स्टार के साथ काम करने वाले हैं और ये बड़ा स्टार कोई और नहीं बल्कि सलमान खान का नाम बताया जा रहा था। हम आपको बता चुके हैं कि सलमान खान की फिल्म अंतिम द फाइनल ट्रुथ में पवनदीप ने गाना गाया है। सलमान की इस फिल्म में पवन ने अपनी आवाज दी है। हालांकि ये नई बात नहीं है, लेकिन जो बात हम आपको बताने जा रहे हैं वो आपके लिए नई बात है। वो ये है कि पवनदीप ने सलमान की इस फिल्म में सिर्फ गाना ही नहीं गाया बल्कि इस गाने को कंपोज भी किया है, अपने खुद के गाने को म्यूजिक भी दिया है। इस गाने में आप पवन का बनाया हुआ म्यूजिक भी सुनेंगे। एक वीडियो सामने आई है जिसमें पवनदीप म्यूजिक तैयार करते दिखे हैं। अगर पवन का ये गाना हिट गया तो यकीन मानिए पवन यहीं से उठ जाएंगे और फिर पवन की डिमांड भी बढ़ जाएगी।